केजे हरियाणी देखने वाले सारे बड़े छोटे ने सलाम नमस्ते प्रणाम सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हो? आज मैं अपना दिखाऊंगा सुंदर ब्रांच नहर, बिल्कुल टूट गई है, कम तो कम घना नहीं तो 70-80 फुट का घेरा हो गया है। मैंने रात में भी एक वीडियो डाली थी, खतरे तो ऊपर चल रही थी, लेकिन आज सवेरे बताऊँ 4 बजे यह नहर टूट गई। इस नहर के लगभग जो आसपास का एरिया नहीं, 3 गांव लग गए हैं, उस तरफ रुनाद गांव पड़ा है, साथ में जमालपुर के खेत भी पड़े हैं और परली तरफ आजमपुर गांव के खेत पड़े हैं। वे सारे खेतों में पानी भर गया है और इस नहर चलते चलते कम तक कम सवेरे 4 बजे चलन लगी थी और देख लो भाई शाम के 5 बज गए हैं। निन्ने मजदूर भी लगा रखे, प्रशासन ने भी अपना पूरा काम करने ला रहे हैं, प्रशासन वाले भी सवेर के लाग रहे हैं, वे देखो कितने मजदूर लगा रखे। लेकिन ये बरसात भी नहीं, क्योंकि बरसात भी दिन में कुछ ज़्यादा ही आ गई थी, उसके कारण ये काम भी रोकना पड़ा। जैसे भी मशीन भी ले रखी है, 200 से ज़्यादा मजदूर भी लगा रखे हैं, लेकिन क्योंकि माटी जो है गिल्ली हो चुकी है, गिल्ली माटी कसिया गला पाट दी को ने मशीन ले रखी है, सवेर के आड़े मजदूर भी लाग रहे हैं, लेकिन जो बंदा है वही भी लाग गया को नहीं है, पानी बिल्कुल भी आगे कौन जान लाग रहा, पीछे जैसे भी मशीन भी देखने लाग रहे हो, ये कम से कम 200 से ज़्यादा मजदूर भी लगा रखे हैं। पूरा प्रशासन उड़ा लिया, जितने भी सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं सारे मौके पर आया के जा लिए, बताओ तहसीलदार भी आ लिया और जितने भी सिंचाई विभाग के अधिकारी थे वहाँ आगे, मैं कैमरामैन थी वहाँ थोड़ा आगे जाके दिखावांगे और खड्डा अपने, ये कम तक कम घेरा है नहीं, कोशिश करने लाग रहे हैं किसने बस जल्दी तो जल्दी रोक ले भाई, क्योंकि ना पानी का बहाव इतना तेज है कि रुके को नहीं आ रही है, नहीं बल्ली जो बल्ली लगा लगा के काम करने लाग रहे हैं, मजदूर आदमी लाग रहे हैं, क्योंकि यह पल्ली है नहीं, इसके सारे भाई माटी में भर भर के जो अपने कट्टे हो हैं उन्हें भर भर के लगाने लग रहे हैं, और ये जो सारा पानी देखने लग रहे हो नहीं, अब मजदूर बेचारे सवेर के लग रहे हैं, प्रशासन की भी कोशिश है कि इसने जल्द से जल्द बंद कराया जाए, क्योंकि पूरे का पूरा इलाका में बरसात होने लग रही है और एक भी नहर इसी को नहीं कि जो खतरे तो नीचे चलती हो। इसका मैं अपने बता दूँ, शाम को ही पता लग गया था कि खतरे तो ऊपर चल रहे थे, किसी टाइम भी टूट सके हैं, लेकिन यह मैं अपने बता दूं जो इस तरफ लगभग 15 किले पर है, 15 किले पर है रुनाथ का पुल लग गया है, जो रुनाथ गांव में जाओ है, और यह सुंदर ब्रांच नहर भाई आप देखने लग रहे हो, सारा का सारा पानी इन रुनाथ खेतों में जाने लग रहा है, लेकिन वजह कह रही मैं आपने कहा था किसान तो ही बातचीत कराऊंगा, तो मजदूर लाग रहे हैं, अपने वीडियो दिखाते रहेंगे, तो मजदूर भी भाई प्रशासन ने लगा रखे हैं, कोशिश है जल्दी से जल्दी इन्हें बंद कराया जावे। और मैं आपने बता दूं ईब तक पीछे तक पानी, प्रशासन तो बात हुई प्रशासन के अधिकारी, तो भाई पीछे तक तो पानी बंद कर दिया है, लेकिन इसको उर तक पानी बंद होने में 12 घंटे लग जाएंगे, तो भाई शाम के 5 बज चुके, सवेरे 5 बजे अलग, 12 घंटे तो सवेरे 5 बजे लगे बैठेंगे, सवेरे 5 बजे अलग पानी चल लगा, तो भाई 5 बजे अलग पानी चल लगा तो पानी कितने गांव में घूम जाएगा भाई, इसका भी आप अंदाजा लगा सको। बिल्कुल पानी की मैं रफ्तार दिखा दूँ अपने, पानी की रफ्तार जो अब तक फुल चलन लग रही है, जो आप मेरे पीछे देखने लग रहे हो पानी बिल्कुल पूरी स्पीड में चलन लग रहा है, ईब तक तो मेरे हिसाब तक कम होया को नहीं होगा, बाकी अधिकारियों का कहना है कि पानी कम हो गया, तो भाई पानी कम हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपने फिर बता दूँ ये जो डा है या डा टूटी है, बतावा है कि थोड़े दिन पहले सुंदर ब्रांच नहर पक्की कर दी थी, लेकिन टूटने की वजह बताऊँ है कि यह टूटी कोनी ओवरफ्लो होगी, पानी ज़्यादा आ गया उसके कारण इसने जो यार्ड था इन्हें जगह बना ली। ये मैं आपने बता दूँ कम से कम तो 60-70 फुट का जो एरिया बना हुआ है, पूरा का पूरा इलाका जल मगम हो गया है, मैंने सुना है रुनाथ गांव का जड़ में लाग लिया पानी, अरे उसका आजमपुर भी लाग लिया हो, क्योंकि ओड़ा उस तरफ रुझवा लग गया है भाई, कम तक कम घने नहीं तो 200-400 किले भी पानी के में खराब हो गए होंगे, किसी ने बाड़ी बो रखी थी, किसी ने ईख बो रखा था, आपने ईख दिखने लग रहा हुआ भाई, पूरा का पूरा ईख बंद हो रहा है, और ये भाई कट्टे लगा लगा के भाई मजदूर आदमी है लाग रहे हैं, कितने बजे तक लाग रहे हो? हम सुबह 8 बजे लग गए थे जी। अच्छा अच्छा, हाँ अर्जुट रहे हैं जी, जब 8 बजे आए जी, कितनी चौड़ी हो रही थी यार जी? ये था 15-20 फुट होगी, हाँ 50-1 मीटर का था जी। अच्छा, ये कितना हो गया? ये तो 150 मीटर के नेड़े हो गया जी। अच्छा, आप कितने के मजदूर लाग रहे हो? मजदूर तो जी 100 सवा सा मजदूर, हाँ जी। अच्छा अच्छा, हाँ तो ये बिन्नू लग गई, पानी कम होया? पानी तो अभी तक कम नहीं हुआ है जी, पानी उतना आए है, 24 घंटे में कम होगी जी।
हाँ 24 घंटे हम जागे ने। तो आपको कितना टाइम लगा अल्टीमेट दिया या बंद करके जाओगे? पानी लिला गए हम भी ना, बारिश आ जाए कुआ माटी नहीं आंदी है। तो मैंने सुना था दिन में काम बंद हो गया बरसात ना 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 लिला गए हम तो माटी आ जाए ना ट्रैक्टर दस गया था रास्ता बंद हो जाए तो फिर मिट्टी नहीं आओ तो क्या लगावा। मजदूरा का भी साफ तौर पर कहना है सवेरे उरा के 8 बजे लग गए थे, उस टाइम यहाँ लगभग 10 से 12 फुट टूट रही थी, लेकिन ये भी इसका जो आप देखने लग रहे हो कम से कम या 60 से 70 फुट चौड़ी होगी है। लेकिन हम अपने अरे मैं दिखाऊंगा भाई, मजदूर लग रहे हैं देखो ये कट्टे इस हिसाब से लगाने लग रहे हैं, क्योंकि यह भी नहीं जो सिंचाई विभाग वाले हैं तरीके से लगाओ, क्योंकि बल्ली गाड़ दी नीचे, बल्ली गाड़ने के कारण यह जो भाई जो कट्टे हैं वो तीसरे को नहीं भाई बिल्कुल लाग रहे हैं। लेकिन इनका भी कहना है कि भाई सवेरे 8 बजे लग गए थे, 5 बजे लिए ये भी पानी कम को नहीं रहा है, ये तो उनको कहो कि 24 घंटे में कम होगा। बाकी आप वीडियो में देखते रहिए, मैं आपने बता दी सुंदर ब्रांच नाइट टूट गई है और पूरा का पूरा इलाका भाई जलमग्न हो गया है। चलो भाई आगे देखा है वीडियो देखने वाले सारे जरिए।